बात है भगवान, इतनी क्यों चिल्ला रहे, क्या आफत आ पड़ी? बात ये है, ये बात कि आज तुम उधर बुजुर्गों में बैठे हुए क्या बात कर रहे थे? कुछ ना, हमर हेलो हमर मुड़ा सरपंच साहब एक बात बतला रहे थे। क्या? कि हम धोती पहरे तो ही औरत चढ़े। अच्छा। हम तहमत बांधे तो ही फूके। तो सरपंच साहब ने धोती पहन रखी है। हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है बता? दिक्कत है, धोती तो ठीक है, बुढ़ापे का शरीर है, ठंड ठंड लगी। फिर बुढ़ापा कह रही है, किससे कह रही है बुढ़ा? जब है बुढ़ा तो बुढ़ा ही कहूंगी। नहीं बुढ़ा कैसे है, अभी तो बहुत जवान है। अच्छा। हाँ फिर तुम्हें ज्यादा पता होगी। सारे पहनावे की हम बड़ाई कर रहे थे, तुम हमारे पहनावे की बुराई कर रहे थे। अरे बड़ाई कर रहे थे क्योंकि कैसे से पहनावे, किसी दर्जी के पास पहुंचो तो जो फिटिंग का सूट चाहिए, बिल्कुल फिट आना चाहिए। फिटिंग का सूट नहीं सिलवाएंगे तो फिर हमारी फिटिंग अच्छी कैसे लगेगी? यहाँ तो ज्यादा खेच के सिलाओ, इसको तो बिल्कुल टाइट कर देते। अरे ऐसी चल रही है आजकल। अच्छा हाँ, पता क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से इस औरत जात के पहनावे की कोई भी बुराई सुन ली तो उसी दिन मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मेरे साथी मेरे साथ है मेरे भाई, सच्ची बात होगी तो ताड़ी बजाएंगे। अगर बात तुम्हारे भाई है तो मेरे देवर लगे ही है। अगर तेरी बात सच्ची होगी तो तेरे साथ में ताड़ी बजा देंगे। और आने वाला महीना फागन का होगा, देवर भाभी का, तेरे तो कोई मतलब नहीं है इनको। अच्छा अभी तो मतलब भाभी थे, अभी तो मक्खन लगाना शुरू कर रही है। मक्खन ना लगाऊंगी तो फिर खाएंगे कैसे? अच्छा चल कह दे, सुन मेरी बात बता। चर्चा भरतार करेना, बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरी बात सुन ले, बिल्कुल मत करना। तेरी आज बुराई धोती की तू भी बदकार करेना, तेरी आज बुराई धोती की तू भी बदकार करेना, चप्पल सहगे की मारे। हाँ और फिर हम बताएंगे तुम्हारे कैसे कैसे पहनावे रहे। हाँ तुम तो वैसे बता दियो लेकिन मेरी सुन। सुनो धोती छोड़ के बांध लोते हैं मंद, तुम्हें कहते लोग लुंगाड़ा। अब इनकी सुन लो, कोटी पहले रीज ती डोलो थराया था पे दुभाड़ा, कोटी पहले रीज ती डोलो थराया था पे दुभाड़ा। हम अल्लाह पर दाघना करे पिया, तमने दीन बिगाड़ा। इनकी एक खास आदत है, अगर ये जंगल में जाएंगी ना घूमने फिरने के लिए, बताऊं के काम करते हैं ये धोवन हाथ जावे जंगल में वही बांध ले नाड़ा, धोवन हाथ जावे जंगल में वही बांध ले नाड़ा। मत ना बोल बोलिए माड़ा, मत ना बोल बोलिए माड़ा, घर में तकरार करे ना। हर कोटि के नीचे शोभा यो सलवार की तू भी बदकार करेगा।
इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है। मतलब आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है? दिक्कत ये है हाँ, कि तुम ये नहीं देखते कि गली मोहल्ले में किसी की बेटी भी रहती है, किसी की बहन भी रहती है, रिश्ते में तुम्हारी भी कुछ लगती होगी ना। बिल्कुल रहने फिर क्या दिक्कत है? तुम्हें सलाम आनी चाहिए। किस बात की? तुम एक काम ऐसा करते हो कि नो नहीं देखते कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बस कहीं भी लगे पड़ जाते हो। मतलब तेरा ये है पैंट पहनी छोड़ दे। हाँ देखो मेरी बात सुनो, ये तो प्रकृति की दैन है हाँ, कि हम गली में खड़े होके मुद्दे है, यही बात कहना चाह रहे हैं? मैंने तब तक कही नहीं। नहीं यही तो बात कहना चाह रही है। चल तू। हाँ मैं यही कहना चाह रही हूँ। हाँ चलो धोती पहनते तो दादा बैठ के कर लेते अपना काम आराम से। यूँ तो हमारी मन की मर्जी है, खड़े होकर बैठे करे क्यों सरपंच साहब? भाई हिसाब से ही करना चाहिए इंसान को काम। अच्छा शर्म भी करनी चाहिए, गली मोहल्ले में बहू बेटी भी रहती है। तब दिखा देने खड़ी हो गए पेशाब करके। हाँ अच्छा सही कह रहा है डांगी साहब भाई। हम क्यों करें, हमारी भी मर्जी, तुम्हारी मर्जी है तो हमारी भी मर्जी। तुम पे कराई ना जाए, वो सिस्टम खराब है तुम्हारा। ए बदतमीज साहब कहते साजन गली हारे में। अच्छा शर्म आनी चाहिए। और थारे तुम क्या करो बता? हम क्या करें बता? थारा बिछवा सूट अच्छा लगता है? अच्छा ना लगे बताओ कैसा लगे? कैसा लगे थारा बिछवा सूट हवा भरती जन आके गुब्बारे में। थारा बिछवा सूट हवा भरती जन आके गुब्बारे लगे यो नाड़ा हो मारे में। अच्छा हम मुझ मुड़ा के बनो ही जिड़े थारे श्रम नहीं से। तब होटल चलो तब होटल चलो मानत खानी यो भी बात सही है। यो भी बात सही है। ये समझदार थे डूब गए यो वही की बात वही से। सुख पाल जाके पूछ लिए थर कर्मों की लिखी वही से। सुख पाल जाके पूछ लिए थर कर्मों की लिखी वही से। बोली की मोर करे ना। ए धर्मवीर इसी पीरा से है बिल्कुल भी प्यार